स्टार्ट करने वाले हैं। हमने बहुत रेस्ट कर लिया, लॉकडाउन का था जो भी टाइम मिला था हमको। हमने लगभग 1 महीने से कोई भी वीडियो नहीं बनाई है, कोई भी पढ़ाई नहीं करी है, तो अब से हम हमारी पढ़ाई पर फोकस करते हैं क्योंकि अपने एग्जाम तो परमानेंटली होने ही हैं। तो क्यों ना हम इस टाइम का बेनिफिट उठाए और अच्छे से अच्छे अपनी पढ़ाई का फोकस दे सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अपन जो पुराना जो भी पढ़ा है अपन सब भूल जाते हैं, एक बार के लिए हम ये सोच लेते हैं कि हम आज से हमारी 3rd ईयर की पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं जो वीडियो बनाऊंगी वो है हमारी बोटनी का फर्स्ट पेपर, ठीक है? बोटनी का फर्स्ट पेपर आज हम लेंगे, जिसमें हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हम कौन कौन सी यूनिट पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट, देन हम पढ़ेंगे यूनिट फोर्थ। तो ऑब्वियसली हम कौन सी यूनिट स्टार्ट करेंगे? यूनिट फर्स्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है इसमें वो क्या है? बेसिक बॉडी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। क्या है? बेसिक बॉडी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो आपको इसके बारे में पता हो गई सही, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, आप जानते ही होंगे इसको, और नहीं भी जानते हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है क्योंकि हम अब जान लेंगे, क्योंकि हमने इसीलिए तो स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है, ठीक है? तो बेसिक बॉडी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो है ना, फर्स्ट चीज तो इसमें अपन ने क्या लिखा है, मतलब पादप की जो का स्ट्रक्चर है उसके बारे में, अपन पूरे प्लांट के बारे में क्या करने वाले, स्टडी करने वाले हैं। और मैंने यहाँ पर लिखा है फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट किसके अंतर्गत आते हैं? एंजियोस्पर्म के अंतर्गत। ये हम जानते हैं एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दो टाइप के प्लांट होते हैं। एंजियोस्पर्म वो होते हैं जिसमें फ्लावर एंड फ्रूट आते हैं, जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं आते हैं। तो फर्स्ट चीज तो क्या हो गई कि ये कौन से प्लांट हैं? एंजियोस्पर्म। कौन से प्लांट है ये? एंजियोस्पर्म प्लांट है, ठीक है? अब इस जो एंजियोस्पर्म बोल दे या फिर फ्लावरिंग प्लांट बोल दे, इसको अपन 2 पार्ट में डिवाइड करके इसकी स्टडी करेंगे। एक तो इसको अपन कर देते हैं रूट सिस्टम में, मतलब जो नीचे वाला जो पार्ट है जड़ वाला, उसमें अपन इसकी स्टडी कर लेंगे। और एक हम इसको डिवाइड कर देते हैं शूट सिस्टम में। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होगी। ये क्या है? जड़ वाला पार्ट, और ये क्या है? तने वाला पार्ट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारे रूट सिस्टम के बारे में। ये हम सब जानते हैं कि रूट कैसी रहती है, अंडरग्राउंड रहती है, जमीन के अंदर रहती है, ऊपर तो अपन ने रूट को नहीं देखा है। तो ऑब्वियसली ये कौन सा वाला पार्ट होता है? ये अंडरग्राउंड वाला पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? ये अंडरग्राउंड वाला पार्ट होता है, जमीन के अंदर वाला पार्ट ये होता है, ठीक है? उसके बाद में देखो, हम जानते हैं कि 2 टाइप के प्लांट होते हैं, मोनोकोट होते हैं और डाइकोट होते हैं। ये हम सब अच्छे से जानते हैं, नहीं भी जानते होंगे तो अब समझ लो। मोनोकोट क्या होता है? जिसमें एक ही कोटिलेडन वगैरह होता है, और डाइकोट में 2 कोटिलेडन होते हैं। मोनोकोट में कौन सी रूट होती है? फाइब्रस रूट होती है, और डाइकोट में कौन सी रूट होती है? टेप रूट होती है। मतलब अपन 2 टाइप की रूट होती है। कौन कौन सी होती है? मोनोकोट, सेकेंड होती है डाइकोट। मोनोकोट और डाइकोट। डाइकोट में क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसके अंतर्गत कौन सी रूट आती है? टेप रूट। कौन सी रूट आती है? टेप रूट आती है। इसके अंतर्गत कौन सी आती है? टेप रूट आती है। और इसमें जो टेप रूट होती है,
का भी फॉर्मेशन होता है और टर्शरी रूट का भी फॉर्मेशन होता है। और जो अपना ये है मोनोकोट, मोनोकोट में कौन सी रूट आती है? फाइब्रस रूट आती है। अब फाइब्रस रूट में क्या होता है कि प्राइमरी रूट का तो फॉर्मेशन तो होता है बट कुछ समय के बाद में क्या हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है। प्राइमरी रूट इसमें बनती तो है बट कुछ समय के बाद क्या हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है और वो क्या क्राइम में कन्वर्ट हो जाती है, फाइब्रस रूट में कन्वर्ट हो जाती है। आगे समझ में नहीं आया तो एक बार सुनिए, क्या होता है रूट सिस्टम इस अंडरग्राउंड वाला पार्ट आता है, इसमें जमीन के अंदर वाला पार्ट आता है और रूट को टू पार्ट में डिवाइड किया है, मोनोकोट एंड डाइकोट। डाइकोट के अंतर्गत टेप रूट आती है, इसमें प्राइमरी रूट का भी फॉर्मेशन होता है, सेकेंडरी रूट का भी फॉर्मेशन होता है, देन टर्शरी रूट का भी फॉर्मेशन होता है। और मोनोकोट के अंतर्गत आती है हमारी फाइब्रस रूट, इसमें प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन तो होता है बट वो कुछ समय के बाद नष्ट हो जाती है और वो काहे में कन्वर्ट हो जाती है, फाइब्रस रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारा रूट सिस्टम वाला पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है, ये हमारा छोटा सा पार्ट था। अब हमारा मेन आता है शूट सिस्टम। शूट सिस्टम कौन सा वाला पार्ट होता है? ऑब्वियसली ये अंडरग्राउंड वाला पार्ट है तो ये एरियल वाला पार्ट होगा, वाला अपन जानते हैं ना कि कौन से पार्ट में रहता है, ऊपर रहता है, एरियल वायवीय भाग होता है। और तने के अंतर्गत अपन देखते हैं कौन कौन सी चीजें अपन को देखने को मिलती हैं शूट सिस्टम में। स्टम आ जाएगा, सेकेंड क्या आ जाएगी इसकी, लीव्स भी आ जाती है उसमें, क्योंकि उसमें ब्रांचेस निकली रहती है तो इसमें से लीव्स निकलती है। और लीफ के अंतर्गत बहुत सारे पार्ट आते हैं हमारे, कौन कौन से आते हैं, लीफ बेस हो गया, पर्ण फ्रंट हो गया, पर्ण फलक हो गया, वो हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद में फ्लावरिंग प्लांट है तो क्या आएगा, फ्लावर आएगा। और क्या फ्लावर के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, उसके बाद में क्या आ जाएगा, फ्रूट आ जाएगा इसमें, उसके बाद में क्या आ जाएगा, सीड आ जाएगा। इन सब पॉइंट को लेकर हम क्या समझेंगे, हमारा शूट सिस्टम समझेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम इन पॉइंट को समझ लेते हैं। देखो क्या होता है, जो स्टम होता है वो कैसे रहता है, इरेक्ट पोजीशन में रहता है, मतलब ऐसे खड़ा ही तो रहेगा वो ऐसे। देखो आपको दिख नहीं रहा है, एक मिनट, सॉरी, ये इस तरह से तो रहता है, वो खड़ा रहता है, ठीक है। उसके बाद में क्या रहता है कि वो वुडी रहता है, इधर से भी उधर, मतलब लकड़ी वुडी रहता है, ब्रांचेस निकली हुई रहती है, इस टाइप का रहता है वो, ठीक है। उसके बाद में नोड इन इंटर नोड में डिवाइड होता है, नोड देन इंटर नोड क्या होता है, जैसे कि ये हो गया, ठीक है। अब इससे एक और निकल गई, इंटर नोड नोड हो गया, इससे एक और निकल गई, फिर इससे एक और निकल गई, फिर इससे एक और निकल गई, क्या निकल गई, ब्रांचेस हो गई। इसको अपन क्या बोलते हैं कि वो बहुत सारे नोड देन इंटर नोड में क्या होता है, डिवाइड होता है। और उसके बाद में इसका वर्क क्या होता है हम ये जान लेते हैं, प्लांट को क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मतलब उसको खड़ा वही तो रखेगा, अगर स्टम नहीं रहेगा तो प्लांट खड़ा रहेगा क्या, नहीं रहेगा, वो नीचे झुक जाएगा, वो हब शब इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो वो क्या करता है, इसको मैकेनिकल सपोर्ट क्या करता है, प्रोवाइड करता है। सेकेंड आती है हमारी लीव्स। लीव्स के बारे में हम सब जानते हैं कि लीव्स कहाँ से अराइज होती है, कहाँ से निकलती है लीव्स, लीव्स निकलती है नोड और इंटर नोड से निकलती है। जैसे कि इसका ये पॉइंट है, यहाँ से लीव्स निकलती है, यहाँ से लीव्स निकलती है, तो वो कहाँ से निकलती है, नोड और इंटर नोड से क्या निकलती है, निकलती है। अब इसका अरेंजमेंट जो होता है वो अलग अलग होता है, मैंने अभी भी बताया था आपको कि टू टाइप के प्लांट होते हैं, मोनोकोट और डाइकोट। तो लीफ का जो अरेंजमेंट है, लीफ किस तरह से पौधे पे लगी हुई है वो अलग अलग होता है। जैसे कि मोनोकोट प्लांट है ना, मोनोकोट प्लांट में तो क्या होता है, वो पैरेलल लगी होती है, मतलब समांतर, एक इधर लगेगी तो एक इधर लगेगी,
इधर लगेगी, एक इधर लगेगी तो एक इधर लगेगी। बट जो डाइकोट प्लांट होते हैं उसमें उसका पैरेलल अरेंजमेंट नहीं होता है, उसमें क्या होता है रेटिकुलेट अरेंजमेंट होता है इस तरह से, एक इधर लग गई एक इधर लग गई, इस तरह से रेटिकुलेट क्या होता है उसका वेनेशन होता है। और ये हम सब जानते हैं कि लीफ काइम में हेल्प करती है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि जब सनलाइट और क्लोरोफिल होता है उसकी प्रेजेंस में वो क्या करता है, क्या करती है लीफ अपना खाना बनाती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और क्लोरोफिल के कारण ही लीफ का कौन सा कलर होता है, ग्रीन कलर होता है। अब लीफ के कितने भाग होते हैं, लीफ के तीन भाग होते हैं। लीफ के कितने भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं, पर्ण ग्रंथ हो गया, पर्ण फलक हो गया, आ रहा है आपको नजर, पर्ण फलक हो गया, और एक क्या हो गया लीफ बेस। ठीक है, अब लीफ बेस तो क्या होता है, आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि जिससे जिसके द्वारा जो लीफ होती है वो किससे लगी हुई है, तने से लगी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं लीफ बेस बोलते हैं। और ये लीफ बेस का जो वाला भाग होता है वो फूला या चपटा टाइप का होता है। लीफ बेस किसे बोलते हैं, जिसके द्वारा पत्ती तने से लगी होती है उसे हम क्या बोलते हैं लीफ बेस बोलते हैं। अब आते हैं पर्ण ग्रंथ पे। पर्ण ग्रंथ क्या होता है, पर्ण ग्रंथ जो अपनी पत्ती है उसको ऊपर उठाए रखता है, क्या करके रखता है ऊपर उठाए रखता है, और इसे पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। क्यों उठा के रखता है, ताकि उसको अच्छी से प्रॉपर जो सनलाइट है वो प्रोवाइड हो सके। उसके बाद में आता है पर्ण फलक। पर्ण फलक क्या होता है कि जो आपका पर्ण ग्रंथ है जो लीफ को ऊपर उठा के रख रखा है ना, उसके एक अगले सिरे पर क्या होता है पर्ण फलक होता है, क्या होता है पर्ण फलक होता है। पर्ण फलक के बीच में एक मोटी क्या हो, मध्य में क्या होती है एक शीरा होती है ना, और इसके दोनों ओर क्या होती है, इसके बीच में एक मोटी शीरा होती है और इसके दोनों ओर छोटी छोटी क्या होती है शीराएं होकर निकलकर एक जाल बना लेती है जिसे हम बोलेंगे शीरिकाएं। प्रत्येक शीरा में दो प्रकार के ऊतक तंत्र पाए जाएंगे, फ्लोएम, दो प्रकार के ऊतक तंत्र या फिर क्या पाए जाएंगे फ्लोएम पाए जाएंगे। ठीक है, देखो क्या होता है, ये अपन को समझ में आ गया लीफ बेस क्या होता है, जो पत्ती को तने से लगा के रखता है। पर्ण फलक क्या होता है, जो पत्ती को ऊपर उठा के रखता है। पर्ण फलक क्या होता है कि पर्ण ग्रंथ के एक अगले सिरे पर क्या होता है पर्ण फलक होता है, और पर्ण फलक में क्या होता है इसके बीच में एक मोटी शीरा होती है, अपन देखते हैं ना इस तरह की एक मोटी शीरा होती है, और इसकी साइड्स में छोटी छोटी शीराएं निकली होती है जो एक जाल सा बना लेती है ना, इसे हम क्या बोलते हैं शीरिकाएं बोलते हैं। शीरा में दो प्रकार के क्या होते हैं ऊतक तंत्र होते हैं, ऊतक तंत्र या फिर क्या पाए जाएंगे फ्लोएम पाए जाएंगे। ठीक है, और जाइलम क्या करता है, देखो ये तो फ्लोएम की बात हो गई कि इसमें वो पाया जा रहा है, और जाइलम अपन दो नाम सुनते हैं ना फ्लोएम और जाइलम, तो जाइलम का क्या काम होता है, जाइलम जो है रूट है, रूट में मिनरल एंड वाटर के वाटर को एब्जॉर्ब करके क्या करता है लीफ तक लाता है, कहाँ तक लाता है लीफ तक लाता है। और ये जो फ्लोएम जो होता है ये क्या करता है, ये जो जाइलम के द्वारा लाया गया मिनरल एंड जो वाटर है वो प्लांट के अदर पार्ट को क्या करता है पहुंचाता है। आगे समझ में क्या होता है, इसमें दो ऊतक तंत्र पाए जाते हैं फ्लोएम और जाइलम। जाइलम क्या करता है रूट से मिनरल एंड वाटर को एब्जॉर्ब करके लाता है, और फ्लोएम क्या करता है उसे प्लांट के अदर पार्ट को क्या करता है प्रोवाइड करता है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हमारा थर्ड जो पॉइंट था वो क्या था, फ्लावर।
में एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। कौन सा ऑर्गन होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। और ये क्या करता है? फ्रूट का फॉर्मेशन करता है। और इसी में क्या होता है? सीड प्रेजेंट होते हैं। अब फ्लावर में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, ये आपने प्रैक्टिकल में करा भी होगा, देखा भी होगा। नहीं देखा है तो अब देख लीजिए, समझ लीजिए। कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, फिर क्या होता है? स्टेमंस होता है, और फिर क्या होता है? गाइनोशियम, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं? पिस्टिल भी बोलते हैं। देखो कैलिक्स क्या होता है? जो फ्लावर का आउटर वाला पार्ट होता है। हाँ, तो कैलिक्स क्या होता है? सबसे आउटर पार्ट होता है फ्लावर का। आउटर पार्ट का मतलब ये है कि जो सबसे बाहर की साइड, हम सबसे पहले अगर देखें ध्यान से तो सबसे बाहर हमको एक ग्रीन कलर का जो पार्ट दिखाई देता है, जैसे कि वो फ्लावर रहता है उसमें बाहर की साइड जो ग्रीन कलर का दिखाई देता है वो क्या होता है? कैलिक्स होता है। और ये क्या करता है? ये फ्लावर को एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसमें फोटोसिंथेसिस का वर्क भी करता है, और इस कैलिक्स को हम सेपल भी बोलते हैं। उसके बाद में आता है कोरोला, जो आप फ्लावर में देखते हो रंग बिरंगी पंखुड़िया, उसे हम वो क्या होती है? वो हमारी कोरोला होती है, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा स्टिमन। स्टिमन क्या होता है कि वो एक तरह से ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। और ये कोरोला के भीतर, जैसे कि मान लो ये फ्लावर है, ठीक है, यहाँ पर ये कैलिक्स हो गया है ना, ये कोरोला हो गई, ऐसे बना रही हूँ मैं, ऐसे फ्लावर तो रहता है मेरे को पता है। अब इसके अंदर से क्या निकली हुई रहती है? स्टिमन निकली हुई रहती है, ठीक है। अब इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टीमन का ग्रुप निकला होता है। स्टीमन की संख्या भी सब में अलग अलग होती है, उसके अकॉर्डिंगली उसको डिवाइड करते हैं, बट अपन को इतना डीप में नहीं जाना जाता है, नहीं जाना है। तो स्टीमन निकले हुए रहते हैं, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। स्टीमन के तीन पार्ट होते हैं, इसको भी हम डीप में नहीं पढ़ेंगे। कौन कौन से पार्ट होते हैं? फिलामेंट, एंथर, तीन पार्ट होते हैं, फिलामेंट, एंथर, एंड उसके बाद में क्या होता है? एक और कनेक्टिव टिश्यू, या फिर कनेक्टिव वो बोलते हैं ना, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और प्रत्येक जो एंथर होता है वो कैसा रहता है? पतला रहता है, धागे के समान रहता है, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा पिस्टिल या गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है? स्टीमन होता है। और इसमें क्या होता है? जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ये स्टीमन के बीच में स्थित होता है। जो स्टीमन था वो किसके बीच में? कोरोला के बीच में स्थित था। और जो ये है आपका पिस्टिल या गाइनोशियम, वो स्टीमन के बीच में स्थित होता है। इसका भी तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन सा होता है? इसको भी तीन पार्ट में, स्टिग्मा, ओवरी और स्टाइल, ये वाले पार्ट हमारा होता है। जो जो मान ली ये है गाइनोशियम, इसका जो ऊपर वाला भाग है, ये जो ऊपर वाला ऐसी बनाया है, जो ऊपर वाला भाग है वो तो क्या कहलाता है? स्टिग्मा कहलाता है। इसके नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? स्टाइल कहलाता है। और उसके नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है? ओवरी कहलाता है। उसके बाद में आता है फ्रूट। फ्रूट अपन सब जानते हैं, जो ओवरी होती है वो ही काय में कन्वर्ट होती है, फ्रूट में कन्वर्ट होती है। और जो सीड होता है वो काय से बनता है? ओवरी से बनता है। तो ये अपना एक टॉपिक तो कंप्लीट होता है, बेसिक बॉडी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो आइए हम एक बार और शुरू से समझ लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हम आज टॉपिक पढ़ने वाले पढ़ा है जो हमने, वो है बेसिक बॉडी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। बेसिक बॉडी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग की बात करी मतलब ये कौन सा प्लांट है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। इसको हमने टू पार्ट में डिवाइड किया, रूट सिस्टम देन शूट सिस्टम। रूट सिस्टम जो होता है वो अंडरग्राउंड वाला पार्ट होता है। इसमें हमने
दो मतलब दो टाइप की रूट पढ़ी है। कौन कौन सी रूट पढ़ी है? तो मोनोकोट प्लांट के अंदर हमने हाइब्रिड रूट पढ़ी है, जिसमें प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन तो होता है बट कुछ समय के बाद में वो नष्ट हो जाती है और वो फाइब्रस रूट में कन्वर्ट हो जाती है। और डाइकोट के अंदर हमने टेप रूट पढ़ी है, जिसमें प्राइमरी रूट का भी फॉर्मेशन होता है, सेकेंडरी रूट का भी फॉर्मेशन होता है और टर्शरी रूट का भी फॉर्मेशन होता है। ये तो हो गया है हमारा रूट सिस्टम। फिर हमने पढ़ा शूट सिस्टम। शूट सिस्टम जो होता है वो एरियल वाला पार्ट होता है। इसके अंतर्गत हम स्टम, लीव्स, फ्लावर, सीड, फ्रूट ये सब क्या करते हैं, पढ़ते हैं। स्टम क्या होता है? स्टम इरेक्ट होता है, वूडी होता है, हर पे पीरियस होता है और ये नोड और इंटरनोड में डिवाइड होता है। और इस सिस्टम का काम जो है वो है प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। सेकेंड हमने देखा, इसमें क्या देखा हमने, लीव्स। लीव्स जो निकलती है वो नोड और इंटरनोड से निकलती है। अब लीव भी सभी प्लांट में एक जैसी नहीं निकली हुई रहती है। जो मोनोकोट होती है उसमें पैरेलल निकली होती है और जो डाइकोट होती है उसमें रेटिकुलर माइनेशन इसका पाया जाता है। और उसके बाद में जो लीव्स का जो वर्क होता है वो फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है फोटोसिंथेसिस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में फूड का फॉर्मेशन करना। उसके बाद में हमने पढ़े फ्लावर। फ्लावर के भी हमने बहुत सारे पार्ट पढ़े। उसमें कैलिक्स देखा। कैलिक्स सबसे आउटर वाला पार्ट होता है जो ग्रीन कलर का होता है, जो उसको फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है और एक तरह से फोटोसिंथेसिस भी बोल सकते क्योंकि वो ग्रीन कलर का है, उसका भी वर्क करता होगा। उसके बाद में हमने पढ़ा कोरोला। कोरोला क्या होता है? जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का, अंकुरिया जो होती है उसे हम कोरोला बोलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा स्टीमन। स्टीमन क्या होता है? कोरोला के बीच में प्रेजेंट होता है और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इसके भी तीन पार्ट होते हैं, फिलामेंट, एंथर और कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद में पढ़ा हमने पिस्टिल या गाइनोशियम। पिस्टिल या गाइनोशियम क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और वो किसके बीच में प्रेजेंट होता है? वो स्टिमन के बीच में प्रेजेंट होता है। इसके भी तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से? स्टिग्मा, ओवरी और स्टाइल। फिर हमने पढ़ा क्या? पढ़ा फ्रूट। फ्रूट क्या होता है? वो क्या? ओवरी। ओवरी से फ्रूट बनता है, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा सीड। सीड काय से बनता है? ओवरी से सीड बनता है। इस तरह से हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है और अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।